जो लोग कोरोना से पीछा छुड़ाकर अस्पताल से वापस घर आए वो सभी अब तक अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पोस्ट कोविड सिम्टम्स उनके लिए हर दिन एक नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं। कर्नाटक में 24 मरीज ऐसे मिले हैं जिन्हें पहले कोरोना हुआ था और रिकवरी के बाद टीबी का इन्फेक्शन हो गया। अब यहाँ कोविड से रिकवर हुए लोगों का डोर टू डोर सर्वे कर टीबी का टेस्ट किया जा रहा है। टीबी का पता लगाने के लिए कर्नाटक में 80 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इनमें से 28 लाख लोग वो हैं जिन्हें कोविड हो चुका है और बाकी उनके परिजन हैं। केरल में भी टेलीफोनिक सर्वे किया जा रहा है। कोरोना इम्यूनिटी पर अटैक करता है और कमजोर इम्यूनिटी में टीबी होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। कोरोना के बाद टीबी होने के 3 कारण हैं। कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कमजोर होना, कोरोना के दौरान फेफड़ों को होने वाला नुकसान, कोरोना के डर से सही समय पर टेस्ट न कराना। भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका ये वो देश हैं जहां पर कोरोना के बाद टीबी के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, और यही देश ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या कोरोना के बाद टीबी सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन्हें गंभीर कोरोना हो चुका है। डॉक्टर्स ये जरूर कह रहे हैं कि कोरोना के बाद टीबी होना भी लोगों की इम्यूनिटी पर ही निर्भर करता है। सरकार की तरफ से 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करने की कोशिश जारी है। इसके लिए लोगों को घर घर दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। जगह जगह टीबी डायग्नोस्टिक लैब्स शुरू किए गए हैं। राज्य को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्क्रीनिंग के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। अगर आप कोरोना के रिकवरी फेज में हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपको अभी भी सांस लेने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है, बार बार खांसी तो नहीं आ रही है। अगर ज्यादा दिनों तक ये तकलीफ बनी रहती है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, और साथ में ऐसी ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।